नमस्कार साथियों, स्प्रेडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जो ट्रेंडिंग बनने से पहले ही मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको उसका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए, ताकि सही समय पर सही भाव के एनालिसिस से आप अपना रिसर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकें। दोस्तों, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ये दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही चुन के, बहुत ही मेहनत से ऐसे स्टॉक्स का कलेक्शन यहाँ पर दोस्तों किया गया है, जो आप दोस्तों दूसरे चैनल्स पर पूरे खोज लो, ऐसा कलेक्शन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स का कलेक्शन किया गया है, लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिहाज से ये स्टॉक्स दोस्तों मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं ये आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.51% राइज किया है और इसका मैक्स रिटर्न्स देखें तो 4,290%, ये अभी तक बढ़ चुका है, जो कि एक मैसिव रिटर्न है दोस्तों। और इसका मार्केट कैप देखें दोस्तों तो ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, 1.43 लाख करोड़ कंपनी है, मतलब वॉलेटिलिटी दोस्तों यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। कोई भी बड़ा क्रैश आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फॉल देखने को नहीं मिलता, इसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी बात है। पी रेशियो देखें तो पी रेशियो वाइज भी यहाँ पे 40 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो और हम लोग को पता है दोस्तों कि 20 के आसपास अगर पी हो तो बहुत बेटर होता है, लेकिन वैसा स्टॉक्स दोस्तों जो भी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक होता है तो 20 के आसपास बहुत कम ही स्टॉक मिलते हैं, तो ये 20 के आसपास ही आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अलग अलग स्टॉक्स आप देखेंगे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक, तो वो आपको 100 के ऊपर भी पी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये स्टॉक का नेम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है, ये एक टाटा ग्रुप की स्टॉक है दोस्तों, है ना, और इसी वजह से ये बहुत स्पेशल स्टॉक हो जाता है, क्योंकि टाटा का गुडविल और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसी वजह से इसके हर स्टॉक्स लगभग आप देखेंगे तो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल एनालिसिस बिना किए आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ठीक है। टाटा पावर काम क्या करती है तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है, पावर ट्रांसमिशन एक्सेट्रा में काम करती है, और इसके साथ साथ ये दोस्तों चार्जिंग स्टेशन भी बनाती है, सबसे बिग पॉइंट ये है। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये चार्जिंग स्टेशन के बनाने के साथ दोस्तों, ये सोलर पैनल जो अभी लगने वाला है पूरे देश भर में, ठीक है, जो सूर्य घर योजना मोदी जी ने लॉन्च किया यहाँ पर, तो सोलर पैनल भी ये दोस्तों लगाती है, बनाती भी है, ठीक है। इसी वजह से ये दोस्तों यहाँ पे आप इसका देखेंगे तो 3 डिफरेंट सेक्टर्स और तीनों ही दोस्तों फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, ठीक है। इसी वजह से ये दोस्तों ऑलराउंडर स्टॉक आप इसे कह सकते हैं, ऑलराउंडर स्टॉक, ठीक है। और इसका मार्केट कैप भी दोस्तों लार्ज कैप कंपनी स्टॉक है, और इसके बाद भी दोस्तों इसमें पोटेंशियल देखेंगे ना तो जनरली आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं उसमें पोटेंशियल कम देखने को मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसका पोटेंशियल लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को फ्यूचर में मिल सकता है, और भविष्य में ये एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन के उभर सकता है, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं दोस्तों। एक बात और, आप इसका कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रीनर पे जाके दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। मैं पिछले वीडियोस में स्क्रीनर पे कैसे एनालिसिस करना है वहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, या और भी आपके पास कोई रिसर्च टूल है तो आप उससे भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं आज ये 0.97 राइज किया है और इसका मैक्स रिटर्न्स देखें दोस्तों तो 165%। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 165% राइज किया है तो इसमें ऐसी भी क्या खास बात है, सबसे बड़ी खास बात यही है दोस्तों कि ये सिर्फ 165% राइज किया है। आप पिछला वीडियो देखा आपने कि वहाँ 4000% से ज़्यादा राइज किया है और ये 165% राइज किया, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा सा कंसोलिडेशन है दोस्तों, एक बॉक्स के अंदर लंबे समय से आप देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट क्या चाहेगी कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, और ये देखिए बॉक्स को तोड़ के ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश स्टॉक कर रहा है और बॉक्स को ब्रेक कर चुका है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, ठीक है। 165% ही राइज किया है, मैक्स देखिए 2012 से भी पहले से 2024 तक में,
इसी वजह से यहाँ एक ह्यूज पोटेंशियल स्टॉक्स में दोस्तों बनता है कि ये एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे और इतना हो सकता है दोस्तों छोटे समय में ही ये बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये मत मान के बैठना कि छोटे समय में आपको एक महीने दो महीने लग जाए, ज़्यादा समय भी लग सकता है लेकिन बहुत अधिक समय आप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक रेन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है। मार्केट कैप देखें तो ये भी एक ब्लू चिप स्टॉक बनने की ओर है, 93,000 करोड़ की कंपनी है। पी बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों, देखिए 25 के आसपास पी मिल रहा है तो वॉलिटिलिटी कम है, बहुत ज़्यादा इसमें गिरने की संभावना कम है। स्टॉक की बात करें तो दोस्तों NHPC लिमिटेड, ये दोस्तों एक PSU स्टॉक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। और सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट बात जो ये है दोस्तों, ये इस काम करती है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के सेगमेंट में दोस्तों ये मोनोपोली इंजॉय करती है, ठीक है, मोनोपोली स्टॉक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है देश भर की आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात दोस्तों, ये सोलर सेगमेंट, सोलर पैनल के क्षेत्र में भी अब लगाने का काम कर रही है, तो इसमें भी ये इसे अच्छा खासा आगे चल के बढ़त देखने को मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, रेन्यूएबल एनर्जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये रेन्यूएबल एनर्जी है, और आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनर पे फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना, ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है। आज के दिन ये 2.20% फॉल देखने को मिला है, और इसका मैक्स रिटर्न देखें तो 197% यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी स्टॉक दोस्तों उसी कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिल रहा है कि ये भी लंबे समय से यहाँ पे आप देखिए तो वो सिर्फ 197% का रिटर्न दिया है। तो मतलब यहाँ पे देखिए एक बड़ा, देखिए यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिला, बॉक्स के अंदर ट्रेड किया और ये देखिए ब्रेकआउट दिया, कितना बड़ा, छोटे समय में ही देखिए एक साल में ही कितना बड़ा रिटर्न दे दिया। आप इसका रिटर्न को यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करके देखिए कितना बड़ा रिटर्न है, 311%, कितना, लगभग एक साल के अंदर, डेढ़ साल के अंदर, मतलब तीन गुना पैसे को कर दिया है ना। और अभी फिर से वैसा ही पैटर्न बन रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए फिर से वैसे ही पैटर्न बन रहा है कंसोलिडेशन यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बहुत बड़ा और मैसिव, और इसी प्रकार के रिटर्न्स देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। और मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी अभी है, मिड कैप की ओर है, 13,000 करोड़ 13,500 करोड़ की कंपनी है। पी वाइज देखें तो अट्रैक्टिव है, 40 के आसपास पी चल रहा है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक में दोस्तों पी 40 के आसपास मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक का बात करें तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ना, ये पावर का ट्रेडिंग करती है दोस्तों, मतलब पावर जिसको चाहिए उसको खरीदती बेचती है, ठीक है, और पैसे कमाती है। और इसका ROCE आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे स्क्रीनर पे, ROCE दोस्तों इसका मैसिव है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत कम स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, वो है दोस्तों 50% से भी ऊपर, ठीक है, मतलब इतना ये कमाती है, ठीक। ROE भी इसका 39% आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, आप देखिएगा। और इसी वजह से ये स्टॉक दोस्तों बहुत है, और इसका पोटेंशियल दोस्तों देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, ठीक है, ये भी एक PSU स्टॉक है दोस्तों, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो स्टॉक है ना, ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक क्या है, एक्सचेंज है, NSE क्या है, नेशनल स्टॉक क्या है, एक्सचेंज है। तो देखिए BSE को आप पहले का चार्ट उठा के देखिएगा, बहुत पहले का जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो कितने प्राइस पर था और आज कितने प्राइस पर है, ठीक है। अभी ये दोस्तों BSE इतना प्रॉफिटेबल कैसे आया, क्योंकि दोस्तों एक्सचेंज है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है एक्सचेंज में, ठीक है, इसको बेचना खरीदना है तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये बड़ा प्रॉफिट कम कर सकती है। और इस ये दोस्तों मोनोपोली स्टॉक भी है दोस्तों, क्योंकि पावर ट्रेडिंग के क्षेत्र में कोई भी अभी अलग PSU स्टॉक इसका कॉम्पिटिटर नहीं आया है, और मोनोपोली होने की वजह से ये दोस्तों बहुत स्पेशल स्टॉक बन जाता है, कभी भी ये दोस्तों बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, ये 10x तक रिटर्न दोस्तों देने का क्षमता रख सकता है बहुत ही छोटे समय में। लेकिन दोस्तों कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना या कोई ओपिनियन मत समझ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स का एनालिसिस है, तो बिल्कुल बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और ये एनालिसिस कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों।
तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो है स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। और ये आज के दिन 0.68% फॉल किया है। और ये मैक्स रिटर्न्स देखें तो 704% का दोस्तों यहाँ पर रिटर्न बना के दिया है, यानी 7 गुना कर दिया है पैसे को, देख सकते हैं 2018 या 2019 से अभी तक में, ठीक है। तो ये बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, लेकिन ये स्टॉक देखें तो मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, यानी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, पोटेंशियल बहुत अच्छा रखता है। मिड कैप से लार्ज कैप बनेगा तो बहुत बड़े रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। पी रेशियो देखें तो 62 है, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इसी वजह से पी हाई है थोड़ा, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लिहाज से देखें तो ये पी कम ही आप कहेंगे, क्योंकि ये बाद में एडजस्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई चिंता की बात नहीं होती है, ठीक है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये स्टॉक का जो, जैसे हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं ना, तो ये शेयर्स का ट्रेडिंग में काम करती है दोस्तों। ये स्टॉक का नेम दोस्तों CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। मतलब कि आप कोई भी शेयर खरीदते हैं ना, तो वो शेयर जमा कहाँ होता है, जैसे पैसे को आप बैंक में जमा करते हैं ना, वैसे ही शेयर जो जमा होती है ना, वो डिपॉजिटरी में जमा होती है दोस्तों, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है ना, इस देश में दो ही बड़े डिपॉजिटरी हैं, एक है दोस्तों आपका ये CDSL और दूसरा है NSDL, ठीक है। और आपको एक पते की बात बताऊं तो CDSL है ना दोस्तों, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकरेजेस है ना, जैसे कि आप देख लोगे जेरोधा, अप स्टॉक्स या फिर और भी कोई स्टॉक्स है, तो मैक्सिमम जो ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज स्टॉक्स है ना, जो मोबाइल पे ट्रेडिंग इजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, वो सारा का सारा अकाउंट दोस्तों CDSL में ओपन करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों मेजोरिटी, मोर देन 50% जो आप देखेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये CDSL के पास है दोस्तों, यानी मोनोपोली होल्ड करता है दोस्तों ये स्टॉक भी यहाँ पे ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। और इसी वजह से ये लगातार बढ़ते जा रहा है और फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, ये स्टॉक दोस्तों आप देख सकते हैं मैक्स देखें तो 667% का रिटर्न दिया है, और मार्केट कैप 17,000 के करोड़ के आसपास है। पी रेशियो आप स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक दोस्तों ये रेलवे कंपनी का है, जुपिटर वैगन लिमिटेड, यानी ये रेलवे कंपनी का जो पार्ट्स होता है ना वैगन से रिलेटेड, तो वैगन जो बॉक्स होती है, पैसेंजर जो बॉगी होती है, वो बनाने का काम करती है, और भी उसका जो पार्ट्स वगैरह होती है वो बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये भी एक फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। अच्छे ऑर्डर्स इसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक इसी तरह के सिमिलर स्टॉक के ऊपर दूसरा स्टॉक चर्चा करते हैं, जो वैगन वगैरह बनाती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, और इसका मैक्स रिटर्न्स देखें तो 122.38% रिटर्न दिया है। ये दोस्तों 14,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और पी रेशियो 50 के आसपास है। मतलब इसका वैल्यूएशन दोस्तों जो जुपिटर वैगन है ना, उससे वैल्यूएशन वाइज ये आपको अच्छा देखने को मिलेगी, ठीक है। और रिटर्न्स के मामले में ये दोस्तों आप देखिए, तो रिटर्न्स के मामले में अभी तो उसका बीट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे उससे थोड़ा कम है, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है स्मॉल कैप है तो उसे भी बीट करते हुए नज़र आ सके। तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है, ये भी वैगन बनाती है, और उसी प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं ट्रेन वगैरह के, वो भी बनाने आप वेबसाइट पे दोनों का चेक कर सकते हैं। ये भी अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, इसका मैक्स रिटर्न्स देखें तो 513% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये कंपनी दोस्तों 2019 के आसपास की है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों आपको रेलवे सेक्टर में जो भी रेलवे का ब्रिज होता है ना, जो भी स्टेशन होता है ना, वो सब बनाने का काम करती है। जो रेलवे ट्रैक, रेलवे का जो जान होता है दोस्तों, ये वो काम करती है। इसी वजह से रेलवे सेक्टर का ये दोस्तों जान कह सकते हैं आप इसे, जान स्टॉक रेलवे सेक्टर का। और ये एक दोस्तों सबसे खास बात, ये PSU स्टॉक है, इसी वजह से ये रेलवे सेक्टर का सबसे स्पेशल वाइज स्टॉक बन जाता है। और वैल्यूएशन वाइज भी देखें दोस्तों, तो आप
बहुत सारे रेलवे स्टॉक आपने सुन रखे होंगे, जैसे RVNL हो गए, IRCTC हो गया, और भी जो रेलटेल हो गया, लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इसका कोई भी तोड़ आपको देखने को जनरली नहीं मिलता है। और इसका बात करें दोस्तों तो मार्केट कैप ये 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप है, तो मैसिव रिटर्न्स आने वाले समय में दे सकता है। पी वाइज देखें तो देखिए वैल्यूएशन वाइज मैंने कहा था ना, पी भी 25 के आसपास है, यानी 20 के आसपास पी मिल रहा है, ठीक है। और कंपनी का नाम ये दोस्तों है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मतलब कि ये एक PSU रेलवे स्टॉक है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, इसी वजह से ये आने वाले समय में बजट, आप जैसे जैसे हर साल रेलवे बजट अनाउंस होगा ना, तो इसमें आपको बढ़त, मैसिव बढ़त देखने को मिल सकती है। बुलेट ट्रेन आ रही है और भी जो वंदे भारत वगैरह, तो इसको बेनिफिट डेफिनेटली होते हुए दिख सकता है और ये एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं आज के दिन ये मैसिव 8.84% राइज किया है, और यहाँ पे मैक्स रिटर्न्स देखें तो 27%, मतलब ये एक न्यू स्टॉक है दोस्तों, मार्च में ही आया है, ठीक है। एक्जीकॉम टेली सिस्टम, लेकिन स्टॉक न्यू है, लेकिन जो काम है ये उसका पुराना है, ठीक है, मतलब काम पहले से करती आ रही है, ठीक है। और ये स्टॉक दोस्तों आप देखिए तो स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, इसी वजह से मैसिव पोटेंशियल है, लार्ज कैप बनेंगे तो आप सोच लो कितना बड़ा रिटर्न बना सकती है। मार्केट कैप देखिए 3,500 करोड़ की मार्केट कैप है। पी आप इसका स्क्रीनर पर चेक कर लीजिएगा, और एक स्क्रीन इसका नाम है दोस्तों स्टॉक का एक्जीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों ये काम क्या करती है, तो दोस्तों काम ये करती है चार्जिंग स्टेशन बनाने का, और सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि जो भी इस रेजिडेंशियल चार्जर्स है, ठीक है, रेजिडेंट घर में जो चार्जर कंपनी देती है, तो ये 50% से ज़्यादा इसका मोनोपोली है दोस्तों रेजिडेंशियल चार्जर्स बनाने में, ठीक है, 50% के आसपास। वेबसाइट में आप प्रॉपर फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों चार्जिंग स्टेशन में इस 25% के आसपास इसका आप देखिए तो शेयर है, मार्केट शेयर, ठीक है। और इसी वजह से ये दोस्तों बहुत स्पेशल स्टॉक हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में EV आने वाला है, ठीक है, 50% गाड़ियाँ EV हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगी, तो चार्ज के लिए चार्जर तो चाहिए, चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए, तो यही वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज बेनिफिट ले सकते हैं। इसी प्रकार का एक और स्टॉक चार्जिंग स्टेशन का आगे चल दूसरा स्टॉक आगे नेक्स्ट चार्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक आ चुका है जो ये भी चार्जिंग स्टेशन का ही स्टॉक है दोस्तों, और ये 1.90 करोड़ यानी 2,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। PE वाइज देखें तो बहुत महंगा है अभी, ठीक है, 127 के आसपास है, इसी वजह से स्टॉक अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में आपको देखने को मिल रहा है ना। और लेकिन दोस्तों ये दोनों जो स्टॉक है, ये स्टॉक का बात करें तो ये स्टॉक है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। इसको रिसेंटली दोस्तों आप देखेंगे तो जो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, ये दोनों से ऑर्डर मिला है, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। अभी क्वांटिटी कम मिला है, लेकिन भविष्य में बहुत मैसिव क्वांटिटीज में ऑर्डर मिल सकती है, और सिर्फ इसे ही नहीं, जो पिछला स्टॉक बताया उसे भी मिल सकती है, एक्जीकॉम को भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और आने वाले समय में और कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं। और दोस्तों ये चार्जिंग स्टेशन स्टॉक्स जो है ना, ये पहले मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये दो स्टॉक्स को बहुत मिल सकता है, और इसकी वजह से बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। दोनों स्मॉल कैप है, इसी वजह से रिटर्न्स के मामले में बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन एक बात ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि स्मॉल कैप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनियों में वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं होता, ठीक है। हालांकि ये दोनों अच्छी कंपनियाँ हैं, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं ये एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक है, और यहाँ पे देखेंगे मैक्स रिटर्न्स दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो 6,500 करोड़ का मैक्स रिटर्न्स दिया है दोस्तों। देखिए एक बॉक्स में ट्रेड किया, स्टॉक ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, और स्टॉक दोस्तों मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ठीक है, और पी वाइज 44 है, यानी 20 के आसपास है, ठीक है, 20 से थोड़ा दुगना है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इसलिए वजह से ये दोस्तों बैटरी बनाने का काम करती है, इन्वर्टर बनाने का काम करती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि अभी जो सोलर पैनल लगेगी तो उसमें भी तो बैटरी लगेगा स्टोर करने के लिए, तो ये बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं, इसे ही तो फ़ायदा होगी, ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसे मिल सकता है, ठीक है, ना सिर्फ ईवी में कितना बड़ा बैटरी लगता है आपको पता है, 40% गाड़ी का कॉस्ट, इसी वजह से ये फ्यूचर का सबसे बड़ा मल्टीबैगर
हो सकता है, इसको मैंने पिछले कई वीडियोस से कवर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, दो बैटरी बनाने वाले स्टॉक्स को, ठीक है, इसी वजह से ये स्टॉक्स दोस्तों मेरे फेवरेट कैटेगरी स्टॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक नेक्स्ट स्टॉक बताऊंगा जो इससे भी आधी कंपनी है, ठीक है, जो कि स्मॉल कैप और दोनों ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं, ये मैक्स रिटर्न्स देखें तो ये भी 8000 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 8000% का ये रिटर्न्स बना के दे चुका है, ठीक है। इसका मार्केट कैप देखें तो उससे आधा है दोस्तों, 20,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इसी वजह से इसका पोटेंशियल दोस्तों देखेंगे तो एक्साइड से भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना सकता है, क्योंकि ये उससे छोटी कंपनी है, ठीक है। लेकिन पी वाइज देखें तो ये एक्साइड से ज़्यादा अच्छी है, इसका पी आपको अभी 25 के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी ये दोस्तों एक्साइड से ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी उतनी ही नामी कंपनी है, कंपनी का नाम है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। इसका इन्वर्टर भी आपने आपको देखने को मिला होगा, आपके घर में भी होगा, एमेरॉन के नाम से इसका इन्वर्टर चलता है ना। तो ये स्टॉक भी दोस्तों एक्साइड के टक्कर का स्टॉक है, ठीक है। एक्साइड ज़्यादा पॉपुलर है और ये भी पॉपुलर, ये साउथ इंडियन कंपनी शायद है, ठीक है, और ये भी पूरे देश भर में दोनों इक्वली पॉपुलर कंपनी है ना। और ये स्मॉल कैप है और दोनों ही कंपनियां दोस्तों भविष्य में, अभी एक्साइड को ऑर्डर मिला ना तो भविष्य में इसको भी ऑर्डर मिल सकता है दोस्तों, ईवी बनाने के मामले में, ईवी का जो बैटरी बनाने के मामले में। इन्वर्टर बना ही रही है दोस्तों, इसका तीन प्रॉफिट बैटरी स्टॉक्स का जान लो, एक तो इन्वर्टर बना रही है, दूसरा ईवी का बैटरी बनाएगी, तीसरा सोलर का जो एनर्जी स्टोर होगा, सोलर पैनल लगेगा तो उसका भी बैटरी बनाने का काम करेगी। मतलब सोच लो कितना बड़ा मल्टीबैगर बन के उभर सकता है। जितने स्टॉक्स अभी तक दोस्तों चर्चा किया, ये स्टॉक्स में दोस्तों आप देखेंगे तो सारे जो स्टॉक्स हैं ना, सबसे अधिक पोटेंशियल मुझे नज़र आता है पर्सनली। बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना, अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो उसे राय लेकर ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। एक और स्टॉक दोस्तों लास्ट में चर्चा करते हैं, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है इन सभी रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है, देख सकते हैं मैक्स रिटर्न्स देखें तो 189%। ये भी दोस्तों न्यू IPO आया था, न्यू कंपनी है, लेकिन कंपनी दोस्तों पुरानी है, लेकिन शेयर मार्केट में जो लिस्टिंग हुआ है ना वो नया है, ठीक है। कहने का मतलब वो है, ऐसा मत समझ लेना कि IPO आया तो कंपनी नई है, ऐसा नहीं। और ये कंपनी दोस्तों मार्केट कैप वाइज देखें तो 48,000 करोड़, यानी मिड कैप कंपनी। पी वाइज देखें तो अट्रैक्टिव है, 35 के पी पर मिल रहा है, ठीक है। और ये NBFC यानी फाइनेंस करने का काम करती है, जो भी रेन्यूएबल एनर्जी है ना उसको फाइनेंस देती है। तो इसकी वजह से दोस्तों कोई भी कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो मिलेगा कहाँ से, यहीं से तो मिलेगा, ठीक है। सिर्फ यहीं नहीं, और भी कंपनियाँ हैं, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं ये एक PSU स्टॉक है, ठीक है। इसी वजह से गवर्नमेंट का इसको फुल सपोर्ट है। और ये दोस्तों अभी अभी नवरत्न कंपनी का स्टेटस इसको मिल गया है, नाम से आप पकड़ लो। ये स्टॉक दोस्तों है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यानी IREDA, ठीक है। इसी वजह से इसको गवर्नमेंट का हमेशा फुल सपोर्ट रहेगा। और रेन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर कितना ब्राइट है ये बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी कार्य अभी हर क्षेत्र में रेन्यूएबल एनर्जी ही चल रहा है, ठीक है, ज़्यादातर वही चलने वाला है। ईवी में देखो रेन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो जो सोलर पैनल है वो क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी है। तो सारी कंपनियां फंड लेने के लिए इसको अप्रोच करेगी ही करेगी, इसी वजह से ये भी भविष्य में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों एनालिसिस आपको कैसा लगा, कृपया इसी प्रकार के और भी क्वालिटी स्टॉक्स और कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स सही समय पर सही भाव का एनालिसिस मिस ना हो जाए, इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल पर क्लिक कर दो, क्योंकि यही स्टॉक्स दोस्तों जो होते हैं आपको मेंबरशिप फीस ली जाती है और आपको पैसे पे करके आपको स्टॉक्स मिलता है, तो फ्री का स्टॉक्स आपको यहाँ पे फ्री में एनालिसिस मिल रहा है, तो इसे मिस मत करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।